महिंद्रा XUV 2X ओके, एक और नए वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो के कंपैरिजन में नई इन्फॉर्मेशन देखनी है, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, आपको सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिल जाएगी। कुछ चेंजेस हुए हैं तो उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। सिर्फ वीडियो को आपको पूरा एंड तक देख लेना है, इंक्लूडिंग लॉन्च डेट, प्राइसिंग, फीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, वेरियंट्स, इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस, एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो एंड वॉच टिल द वेरी एंड। आप सभी लोगों को पता होगा कि महिंद्रा XUV 2XO माइक्रो SUV के सेगमेंट के अंदर प्लेस होगी, जिसका मतलब है सीधा सीधा ये कॉम्पीट करेगी विद दी ह्यूंडई एक्स्टर एंड टाटा पंच। टाटा पंच वहाँ पे ऑलरेडी अपना पोजीशन या फिर अपनी प्लेस जो है वो जमा कर बैठी है। हर महीने की अगर आप सेल्स को उठा के देखोगे सारे सेगमेंट्स की, तो वहाँ पे आपको नज़र आती है पंच। लेकिन इसके बारे में बात करें तो ये भी इसकी कॉम्पिटिटर होगी। इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंजन के नाम पे आपको पंच से ज़्यादा बेहतर पावर देखने को मिलेगा, ज़्यादा बेहतर टॉर्क मिलेगा और ज़्यादा बेहतर माइलेज भी प्रोवाइड करेगी। 1.2 लीटर का आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल भी देखने को मिलेगा और 1.2 का टर्बो भी मिलेगा। दोनों के साथ में आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा ऑप्शंस के तौर पे। ऑटोमेटिक की बात करें तो टर्बो के साथ में DCT है, वेयर एज जो नेचुरली एस्पिरेटेड है उसके साथ में ऑटोमेटिक के नाम पे AMT आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। माइलेज मैंने इसीलिए बोला क्योंकि इस गाड़ी के साथ में आपको CNG भी देखने को मिलेगा और ऐसा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लेम किया जा रहा है कि जितनी एक्स्टर दे रही है, मतलब एक्स्टर जो है वो पंच से थोड़ी बहुत तो ज़्यादा ही दे रही है माइलेज, और ये वाली जो होगी वो एक्स्टर से भी थोड़े बहुत ज़्यादा किलोमीटर पर किलोग्राम की माइलेज प्रोवाइड करेगी विद दी CNG। हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं बोल सकते अभी से, और पेट्रोल की कंफर्मेशन वाली माइलेज अभी तक नहीं आई है, ये जो मैंने बताई वो CNG वाली थी। तो ये चीज़ें हैं भैया। बाकी बात करें इसके वेरिएंट्स ऑप्शंस के बारे में, जितने वेरिएंट्स आपको एक्सपर पंच वगैरह के साथ में मिलते हैं नो डाउट उतने ही देखने को मिलेंगे, लेकिन मतलब कहने की चीज़ वो है कि आपको वैल्यू फॉर मनी के सीनारियोज ज़्यादा नज़र आएंगे। मेरा मतलब है अगर आप देखोगे कोई भी इसका वेरिएंट उठा के तो आपको वो वैल्यू फॉर मनी नज़र आएगा। वेरेज एक्स्टर की बात कर लो, एक्स्टर के कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जो आप जिनके कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे और लास्ट में प्राइस देखोगे तो आपका आपको लगेगा कि ये इतने सारे, मतलब इतनी ज़्यादा प्राइस को इतने कम फीचर्स जस्टिस नहीं देते। तो ये चीज़ें नहीं होगी XUV 2XO के साथ में। तो ओवरऑल आपको अच्छे पैकेजेस के साथ में गाड़ी मिलेगी, जैसे 3XO के साथ में आपने देखा है। कई लोगों ने हमें बोला था कि एक भी वेरिएंट ऐसा है जो कि देख के, प्राइस को देख के ऐसा लगे कि इसको नहीं खरीद सकते या फिर इसको ख़रीदा तो रिटर्न में कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ है क्योंकि महिंद्रा आप जानती है कैसे कस्टमाइज़ करना है वेरिएंट्स को, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी फाइनली लॉन्च और प्राइस की बात करें, जहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस है गाड़ी के लॉन्च की बात करें तो वो हो चुकी है नवंबर 2024। पहले ऐसा था कि गाड़ी ऑलमोस्ट 2024 के एंड में आएगी, जो कि अर्ली होके थोड़ी बहुत नवंबर तक आ चुकी है विद द प्राइस टैग ऑफ 5 to 9.5 लाख एक शोरूम तक जाएगी। 9.5 अभी जा रही है, तो ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट में सिर्फ उतना ही होता है कि जो कंपटीशन के साथ में प्राइस चल रही है उसी के अराउंड आपको प्राइस देखने को मिलेगी। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 से लेके ऑलमोस्ट 9.5-10 तक जानी चाहिए। 10 लाख में अगर एक शोरूम मिलते हैं आपको तो वो टॉप एंड वाला ड्यूअल टोन टर्बो पेट्रोल DCT वाला वेरियंट हम आपको बोल रहे हैं। वैसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस गाड़ी के साथ में बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट, बेस्ट इन क्लास सेगमेंट के फीचर्स भी आने वाले हैं। कुछ फीचर्स मैं आपको बता दूँ, जो 7 एयरबैग्स, आपको सिंगल पेन सनरूफ नहीं, थोड़ा सा बड़ा सनरूफ मिलेगा, वेयर एज पंच में सनरूफ तक नहीं है। 360 डिग्री कैमरा भी है गाड़ी के साथ में, Level 1 का एडास भी मिलेगा कुछ सिलेक्टेड 2-3 टॉप एंड के वेरिएंट के साथ में। तो ये सारी तगड़ी चीज़ें थी। बाकी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आप कमेंट डाउन करके बता सकते हो। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड गुड बाय।